आज समझ में आएगा आपको रियल डिफरेंस इन दोनों बाइकों की माइलेज के अंदर। आज इन दोनों बाइकों की सेम टाइम पर माइलेज टेस्ट करने वाले हैं, सेम स्पीड रहेगी, साइड बाय साइड चलाएंगे, सेम पेट्रोल पंप से लिया हुआ पेट्रोल है, उसके अलावा सेम रोड रहेंगे, हवा का ड्रैग भी मिलेगा तो सेम मिलेगा, सब कुछ सेम रहने वाला है, सब कुछ किसी बाइक के साथ कोई भी डिफरेंस आपको देखने को नहीं मिलेगा, उसके बावजूद माइलेज में डिफरेंस आएगा और वो डिफरेंस ही तो आपको दिखाऊंगा। देखो अलग अलग टाइम पर आपने दोनों बाइकों की माइलेज देखी होगी, इसकी भी देखी बहुत सारी देखी होगी, कौन सी बाइक किस टाइम पर किस तरह के रोड पे चली थी, हवा का ड्रैग कितना था, रोड कैसे थे, कंडीशन कैसी है, कितनी स्पीड पे चली है, हर एक चीज का बहुत ज्यादा डिफरेंस आ जाता है। स्पीड का भी 40 पे चल रहे हो, 50 पे, 60 पे, लेकिन आज हम सेम स्पीड पर रखेंगे भाई दोनों बाइकों को, सेम स्पीड, सेम जगह, सब कुछ सेम रहने वाला है। आज समझ में आएगा आपको रियल डिफरेंस। दोनों बाइकों में बराबर पेट्रोल डालेंगे और ऐसे नहीं डालेंगे कि खाली किया टैंक डाल दिया, नहीं भाई, बाइक को चलाएंगे जब बाइक बंद हो जाएगी उसके बाद हम पेट्रोल डालेंगे। एक बाइक पहले बंद हो गई, दूसरी बाद में बंद हुई है, तो भी पहले बंद हुई उसमें पेट्रोल नहीं डलेगा, क्योंकि अगर ये पहले बंद हो गई या फिर ये पहले बंद हो गई तो हम उसको धक्का देकर वहां तक चलाएंगे जब तक दूसरी बाइक का पेट्रोल खत्म नहीं हो जाता है, और उस टाइम सेम टाइम पर ही हम पेट्रोल डालेंगे, कुछ भी भेदभाव यहाँ पर नहीं होगा। और आपके दिमाग में ये भी आएगा ना, अलग अलग बंदा बाइक को चलाएगा तो उस पर भी वेरी करता है कि कौन बंदा कैसे चलाता है बाइक को। तो भाई इसका वेट भी, अभी वेट कितना है तेरा? 90, मेरा 70 है यार। तो हम ऐसा करेंगे, मैंने पहले भी किया हुआ है, हम हर 4 किलोमीटर के बाद राइडर स्विच कर लेंगे, 4 किलोमीटर तक मैं एसपी चलाऊंगा, वो राइडर चलाएगा, उसके बाद मैं राइडर चलाऊंगा और वो एसपी चलाएगा, तो हम हर 4 किलोमीटर के बाद राइडर स्विच करते रहेंगे, ताकि हमारा जो दोनों का चलाने का जो वो है ना तरीका, चलाने का तरीका, वो दोनों बाइकों पर इंपैक्ट डाले, या फिर हमारा जो वेट है उसका भी इंपैक्ट दोनों बाइकों पर मिले। हम हर 4 किलोमीटर के बाद राइडर स्विच भी करेंगे, ताकि राइडर का भी कोई भेदभाव यहाँ पर ना रहे। यहाँ से अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं, साथ ही आपको बताना चाहूंगा, हेलो दोस्तों, मैं आप सभी का दोस्त राइडर वीर जी अपनी पूरी राइडर फैमिली का स्वागत करता हूँ। आज तेरे कुछ ज्यादा वो नहीं हो गया? स्वागत करता हूँ आज नई वीडियो के अंदर। अभी दोनों बाइकों के फ्यूल टैंक से पूरा पेट्रोल निकाल दिया था, ये बाइक स्टार्ट ही नहीं हो रही, वो स्टार्ट हो रही है, तो 19-20 पेट्रोल ऊपर नीचे हो जाता है। तो हम क्या करेंगे, इसमें थोड़ा सा पेट्रोल और डालेंगे, बाइक चलती हुई बंद होनी चाहिए, और वो भी चलती हुई बंद होगी तो ही चलाएंगे, वरना अगर वो यहाँ पे 200-300 मीटर जाने बंद हो गई ना, तो इसका मतलब पेट्रोल उसका भी ज्यादा निकल गया, फिर उसमें दोबारा से थोड़ा सा पेट्रोल डालेंगे और दोबारा चलाएंगे। चलती हुई बाइक जब बंद होगी ना, तब हम वहां से माइलेज टेस्ट स्टार्ट करेंगे। ऐसे खड़ी हुई बाइक में तेल निकालने के बाद थोड़ा 19-20 हो जाता है, मतलब ऐसा होता है कि किसी में ज्यादा निकल गया, किसी में टंकी में नीचे पेट्रोल बच गया, तो उस चक्कर में माइलेज टेस्ट खराब हो जाती है। इसको बैग में रख, वैसे डाला तो मैंने 2 घूंट है उसमें, हो जानी चाहिए स्टार्ट वैसे ना। हाँ, बस एक बार चलती हुई बंद होनी चाहिए बाइक, बस इंपॉर्टेंट ये है। हो गई यार, छोटी बाइकों का ये फायदा है, 2 घूंट में स्टार्ट हो जाती है भाई। 5-6 किलोमीटर चलने के बाद फिलहाल भाई एसपी बिल्कुल बंद पड़ चुकी है, देख रहे हो कोई रिस्पॉन्स नहीं ले रही है भाई। अभी रेडर को देखते हैं कब तक उसका पेट्रोल खत्म होगा, जब तक इसको धक्का देना पड़ेगा, दोबारा पेट्रोल हम नहीं डालेंगे, ये सफिशियंट था। तो अभी एक दो और स्टार्ट करके मैं देख लूंगा, अगर होती है तो। नहीं भाई, अब एक काम करते हैं, तू एक काम कर, तू एसपी पे आ, अब इसको धक्का देना पड़ेगा जब तक वो उसका पेट्रोल खत्म नहीं हो जाएगा, क्योंकि इसमें फिर पेट्रोल डाल देंगे और ये फिर बंद नहीं हुई और ये हो गई, बीच में तटक जाएंगे भाई। लगभग 30-40 मिनट हो गए, आधे घंटे से ऊपर हो गया, रेडर अभी बंद नहीं हुई है, और शायद हमने पेट्रोल ज्यादा छोड़ दिया इसकी टंकी में, थोड़ा थोड़ा पेट्रोल हमने दोनों बाइक में छोड़ा था, लेकिन उसमें शायद ज्यादा निकल गया, इसमें थोड़ा रह गया भाई। पैर दुखने लग गया यार, उस पर धक्का लगा के भाई, बहुत भयंकर दर्द कर रहा है यहाँ पे। मैंने जानबूझ के सेकंड गियर में डाल रखा है इसको, ताकि ज़्यादा आरपीएम पे चले और पेट्रोल जल्दी खत्म हो। थोड़ी देर से मैं ऐसा ही कर रहा हूँ, अब बंद हो रही है अब ऐसा लग रहा है भाई, कितने खुशी का टाइम आ गया, रेडर बंद हो रही है फाइनली भाई, रेडर बंद हो चुकी है, अभी स्टार्ट नहीं हो रही है, नहीं होगी भाई, अब नहीं होगी। तो आगे करते हैं और पेट्रोल डालते हैं अब दोनों बाइकों के अंदर। ट्रिप ए को जीरो कर दे उसकी, मैं इसकी ट्रिप ए को जीरो कर देता हूँ, रेडर की ट्रिप ए को हम कर रहे हैं जीरो, ये जीरो, ठीक है, 0-0 हो गई ट्रिप 1, और अभी ट्रिप 2 को भी हम 0 कर देते हैं, ट्रिप 2 भी हमने कर दी है यहाँ पर 0, और ऑडोमीटर आप नोट कर लो, 26,645 बाइक चली हुई है, और एक बार उसका दिखा देता हूँ, तो इसका ट्रिप ए 0 हो गया, देख रहे हो आप, ट्रिप भी रह गया, इसको भी हम 0 कर देते हैं, ये भी 0 कर दिया हमने। तो अभी इसमें पेट्रोल डालेंगे दोनों बाइकों के अंदर। देखो पहले मैं 500 ml की बोतल से करने वाला था, लेकिन अभी प्लान चेंज कर दिया, क्योंकि 500 ml से एक चीज़ समझ आई, 2-4 घूंट डाला बाइक के अंदर, थोड़ा सा पेट्रोल डालो उसमें कितना चल गई, तो 500 ml में कितना ज़्यादा चलाना पड़ जाएगा भाई, रात हो जाएगी। उस चक्कर में 250 ml ठीक है, मैं पहले भी 250 ml से करता हूँ, 100 cc, 150 cc तक भी मैं 250 ml से करता हूँ, 150 cc से ऊपर की होती है ना उनमें, फिर आधा लीटर से करता हूँ मैं, 300 cc से ज़्यादा हो कोई बाइक तो उसमें फिर 1 लीटर, ऐसे सही रहता है, ऐसे रिजल्ट भी आ जाता है, पेट्रोल ज़्यादा वेस्ट भी नहीं होता। ये 250 ml की बोतल, इसकी फोटो मैं डाल दूंगा ना, और अभी इसको इसमें डालते हैं, चाबी गाइस की, ये यहाँ पर देख लो, जितना पेट्रोल इसमें है ना, इतना ही हम रेडर के अंदर डालें, ठीक है, ये थोड़ा पास इसलिए दिखाया ताकि हर जगह एक्यूरेसी रहे, एक्यूरेट रहे रिजल्ट हमारा। और ये कुप्पी लगाई और ये डाल दिया, एसपी हो गई भाई कंप्लीट, एसपी में पेट्रोल डल चुका है, अभी चलते हैं रेडर पर
और रेडर में डालते पेट्रोल, फिर उसके बाद राइड स्टार्ट करते हैं दोनों बाइकों की। मुझे पता है ये वीडियो बनाते हुए एक चीज का थोड़ा दुख हो रहा है, मतलब आप लोगों से कोई नाराजगी नहीं है लेकिन दुख हो रहा है। और दुख पता है क्यों हो रहा है यार, मैं भी कुछ दिन पहले अपने गाँव गया था, वहाँ पे खेतों में कुछ काम था, बाजरा वगैरह की कटाई चल रही थी। भाई जो खेती बाड़ी करते हैं उनको पता होगा, हम भी करते हैं। तो वहाँ पर मैं एक दिन फ्री बैठे बैठे ऐसे चैनल के ऊपर ये देख रहा था, भाई पेट्रोल कम पड़ गया, पेट्रोल थोड़ा और दे, इसमें इतना पेट्रोल कम पड़ रहा है। अभी ये दूसरी वाली बोतल है 500 ml की, हम दो बोतल रेडी करके लाए थे इनसे टेस्ट करने के लिए, लेकिन प्लान चेंज कर दिया भाई, क्योंकि 500 ml में भाई पागल हो जाएंगे, हम बहुत ज्यादा चलानी पड़ेगी। ये देख रहे हो भाई इतना पेट्रोल हो गया जितना हमने एस्टिमेट डाला था, शायद उससे एक दो गुना ज्यादा ही है ना, पर ठीक है इससे कोई फर्क थोड़ी पड़ता है। तो इधर हमने ये पेट्रोल डाल दिया भाई रेडर में, और रेडर भी अब चक है चलने के लिए। अब दुख पता है क्या है, मैं आपको बताता हूँ। देखो मैंने गाँव बैठे बैठे फ्री ऐसे ही चेक कर लिया कि यूट्यूब स्टूडियो में जाकर कि कितने लोग ऐसे जो मेरी वीडियो देखते हैं और मुझे सब्सक्राइब करके रखते हैं, क्योंकि मैंने एक यूट्यूबर है, मेरा एक दोस्त है, अच्छा दोस्त है, उससे हम ऐसे ही डिस्कस कर रहे थे कि किसका कितना है। तो फिर देखा भाई बड़ा हर्ट हुआ देख के, 6% था मेरा ओनली, 6, सोच सकते हो लगभग 94% लोग वो हैं जो वीडियो तो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते, भाई ओनली 6% थे भाई। वो फील हुआ और वो दुख दर्द मुझे आज अब भी है वो दुख दर्द मुझे चेहरे में दिख सकता है वो दुख। आज से पहले मैंने कुछ ऐसा आपसे कभी कहा नहीं है, वो पहली बार कह रहा हूँ क्योंकि मुझे फील हो गया था यार बहुत ज़्यादा। तो बस आप लोगों से थोड़ी विनती है कि जो 6% का रेशियो है ना भाई, इसको थोड़ा सा बढ़ा देना अगर आपका मन करे तो। देखो अगर आपका मन नहीं करता तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर आपको कुछ अच्छा भी नहीं लग रहा है, कुछ बुरा भी नहीं लग रहा है, तो अभी कर देना यार, क्योंकि भाई मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर आप कर दोगे तो। कहीं ना कहीं एक इंसान खुशी हो रहा है ना, तो यार क्या दिक्कत है भाई, कर लो ना यार। लेकिन इतना जरूर बोलना चाहूंगा, मैं मेहनत कर रहा हूं, मैं वीडियो बना रहा हूं, और आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो आपको सब्सक्राइब करना बनता है भाई। उससे शायद आपको खुशी ना हो लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होगी, सही बता रहा हूँ भाई दिल से। तो अगर आपको लगती है अच्छी तो कर लेना, अगर नहीं लगती तो भाई कोई बात नहीं, कभी कोई दिक्कत नहीं है, मत करो। ठीक है, तो हम वीडियो कंटिन्यू करते हैं। रेडी हूँ मैं भी और ये भी रेडी, हेलमेट वेलमेट पहन के। तो देखते हैं 250 ml पेट्रोल में कौन सी बाइक कितने किलोमीटर चलती है भाई, आज पता लगेगा सब कुछ। तुझे बाइक मेरे साइड में चलानी है या फिर मेरे से आगे चलानी है? मेरे से पीछे नहीं जाएगा क्योंकि तेरे पास कैमरा नहीं है, तो कैमरा भी दिखना चाहिए ना कि साइड साइड में चल रही है बाइक। और दूसरी बात, तेरे को कहीं मुड़ना है तो मैं इंडिकेटर दे दूंगा, तो शीशे में देख लियो जिस साइड का इंडिकेटर साइड मुड़ जाइयो, ठीक है, सिंपल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, यहाँ से ट्रिप 1 को फ्रंट पे रख लेता हूँ मैं, और 4 किलोमीटर के बाद राइडर स्विच करना है अपन को। 4 किलोमीटर के बाद, हर 4 किलोमीटर के बाद चेंज करते रहेंगे। तो भगवान का नाम लेके राइड शुरू और देखते हैं कि क्या रिजल्ट आता है। ये बहुत ही एग्रेसिव रिजल्ट रहेगा क्योंकि दो बाइकों को ऐसे साइड बाय साइड चलाकर, अरे कहाँ रह गया भाई वो, मैंने शुरुआत में बोला मैंने कि तू साइड में चलेगा या फिर तू आगे चलेगा, शुरुआत में पीछे रह गया। हाँ ठीक है, बराबर में, हाँ कोई बात नहीं, उसकी बाइक स्टार्ट होने थोड़ा टाइम ले गई, बस इस वजह से ऐसा हुआ। तो 50 चलेगी हमारी बाइक कंटिन्यू, 50, दोनों बाइक 50। अभी ये सिंगल रोड है, आगे जैसे ही रोड डबल हो जाएगा ना, मतलब सर्विस रोड भी आगे हाईवे उनके सर्विस रोड है, तो वहाँ पर हम दोनों बाइकों को साइड में ही चलाएंगे। मैं मेरी इधर चलेगी, वो दूसरी बाइक उधर चलेगी, तो ऐसे साइड बाय साइड चलाएंगे। अभी सिंगल रोड है जब तक हम थोड़ा सा डिस्टेंस बना के चल रहे हैं, सेफ रहे हैं इस वजह से। तो वो हल्का सा आ गया लेकिन स्पीड दोनों की सेम ही स्पीड है, स्पीड में कोई डिफरेंस नहीं आएगा, टेंशन ना लो भाई, स्ट्रेट सीधा। अभी यहाँ पर इंडिकेटर कैसे दो इसको, यहाँ पे सीधा निकलना है, हाँ सीधा। 4 किलोमीटर हो गए भाई, चार 3.9 है, 4 होने वाले हैं, हो गए 4, उसमें 4 हो गए यार, इसमें 3.9 हुए। ऐसा करते हैं रेडर के हिसाब से स्विच करते रहेंगे ना, तो जैसे रेडर में 4 किलोमीटर हो जाएंगे बंदा रुक जाएगा। अभी 8 हो जाएंगे तो मैं हॉर्न मार दूंगा, तो ये सही रहेगा क्योंकि ऐसे 19-20 का फर्क आ जाता है ओडोमीटर में, दोनों बाइकों में अलग अलग, कोई बड़ी बात नहीं है। और इस पे चलना है कंटिन्यू, कौन से गियर लगा के छोड़ गया पता नहीं, बाइक बंद हो गई एकदम से। अब इस रोड के ऊपर हम साइड बाय साइड चलेंगे, यहाँ पर हम आगे पीछे नहीं चलेंगे, साइड बाय साइड, जैसे वो उधर चल रहा है मैं इधर चल रहा हूँ, ये हॉर्न की बजा रहा है फालतू में, तो ऐसे साइड बाय साइड ये ज़्यादा सही है। खाली रोड है, यहाँ पर कोई नहीं आता, कुछ नहीं आता यहाँ पर, तो इस वजह से आराम से चल सकते हैं साइड बाय साइड। भाई ये कहाँ गए, मुझे तो इस रास्ते के बारे में कुछ पता ही नहीं है, मैं पहली बार आ रहा हूँ इस पे, और रोड ख़त्म हुआ और इस पे उतर गए हम, और अभी पता नहीं है कहाँ पर जाएगा, धूल बहुत उड़ रही है, हेलमेट का शीशा बंद किया भाई। ओहो बच गया। दिल्ली वाले यूट्यूबर ऐसा करते हैं, ऐसी जगह में लेके जाते हैं बाइकों को और फिर बोल देते हैं भाई ऑफ रोडिंग कुछ की, ऑफ रोडिंग पुरानी ऑफ रोडिंग पता नहीं क्या क्या, बट कोई नहीं यार, सबका अपना काम। कोई अभी 8 किलोमीटर होने वाले हैं, 7.8 हो गए, 7.9 हो गए हैं, अभी 8 किलोमीटर होने वाले हैं। मेरा हॉर्न पे हाथ है, जैसे ही हो जाएंगे मैं हॉर्न दबा दूंगा, वो भाई रोक लेगा। हो गए, ठीक है, उसकी में देखते हैं उसमें कितने हुए, इसमें कितने हैं, 7.9, मतलब 0.1 पीछे चल रही है वो, है ना, पता नहीं क्यों पीछे चल रही है, पता नहीं यार, बराबर ही थी यार दोनों बाइक। हाँ सीधा चल, हाँ ठीक चल। राइडर का फर्क जो पड़ना था वो भी आपको पता लग रहा है कि हम कोई भी बाइक को किसी भी
चक्कर में या फिर किसी भी वे से कोई बेनिफिट नहीं देंगे भाई। प्रॉपर तरीके से कर रहे हैं और किसी भी बाइक को कोई एक्स्ट्रा बेनिफिट यहाँ पर नहीं दिया जा रहा है, कोई एक छोटा सा बेनिफिट भी नहीं है। दोनों बाइक इक्वल है, हर एंगल से हमने इक्वल रखा है दोनों बाइकों को, हर एक एंगल से। क्या रोड बंद है? क्या रोड बंद है? क्या वो रिंग रोड की साइड जाना है? अच्छा इधर से जाएगा, ठीक है भाई इधर से चले जाएंगे हम तो। यार मुझे नहीं पता हम कहाँ से चल रहे हैं कहाँ से नहीं चल रहे, समझ नहीं आ रहा कुछ भी यार। बस ये पता है कि लेफ्ट साइड को रिंग रोड है। अब जो भी लेफ्ट साइड को रोड आ रहा है ना उस पर मुड़ जा रहे हैं भाई, ये तो ऑफ रोडिंग हो जाएगी रे। आ जा आ जा। ओ भाई साहब, अरे आराम से आ गए, मुझे लगा था कभी टायर स्लिप करे और ऊपर ना चढ़े, लेकिन चढ़ गए ये तो आराम से। रेडर भी आ रही है, लिया लिया बराबर में, लिया बराबर में, कैमरे से बाहर ना हो देखो। यार ये रोड भी यहाँ पे आके बंद हो गया यार, यार हमारे साथ तो गड़बड़ हो गई यार, कुछ ना कुछ तो हम गड़बड़ कर रहे हैं कुछ तो। भाई वापस मोड़ ले, ये तो गड़बड़ हो रही है अपने साथ तो खतरनाक। यार रोड ही समझ नहीं आ रहा कहाँ पे कौन सा रोड जा रहा है। एक बार रुक जा, मैप के ऊपर देख लेते हैं भाई, यहाँ से चलना है, यहाँ से कोई रोड है यार। अभी मैप के ऊपर देखा है, देखते हैं सही है फिर नहीं है। हाँ जहाँ पे बाइक जा रही है ना इधर साइड जाना है हमें, फिर आगे मे भी बड़ा वाला रोड आ जाएगा रिंग रोड। उसकी में हो गए भाई 11.8 कुछ है, इसमें तो 11.6 ही आ रहा है, लेकिन जो माइलेज निकालेंगे वो हम रेडर की ट्रिप मीटर के हिसाब से निकालेंगे। 11.9 हो गया और ध्यान दे उस पर कितना है। हाँ ध्यान नहीं दे रहा, देख चला जाता अभी, ध्यान नहीं था ना तेरा। अभी ये चलिए 11.8 और वो चलिए 12 ना, तो एक काम करेंगे एक ही ट्रिप के साथ माइलेज मतलब कैलकुलेट करेंगे दोनों बाइकों की। हाँ इसी मतलब इसी की ट्रिप के साथ उसकी माइलेज चेक करेंगे, क्योंकि एक ही ट्रिप के साथ करेंगे तो सही रहेगा, ऐसे अलग अलग तो अलग अलग गड़बड़ हो जाएगा ना, क्योंकि दोनों सेम ही जगह चल रही है सेम ही सिचुएशन में। स्टैंड हटा, साइड स्टैंड, आगे आगे 60 से नीचे तो नहीं देगी भाई कोई सी भी बाइक माइलेज। भाई अभी दोनों बाइक हल्की हल्की मिसिंग करने लग गई, ये भी और वो भी, लेकिन मेंटेन करेंगे, कोशिश करेंगे अभी थोड़ी स्पीड मेंटेन हो और अभी चले। अभी एसपी भी कर रही है मिसिंग, तो झटके तो ले रही है और अभी चलने लग गई रेडर फिर से सही से। बस रोक ले, दोनों का पेट्रोल कभी भी ख़त्म हो सकता है, मतलब कभी बंद पड़ सकती है दोनों बाइक में से कोई भी एक बाइक। अभी चल गई दोनों बाइक, चलने लग गई है दोनों बाइक, स्टार्ट हो चुकी है और देखते हैं अभी कौन सी बाइक पहले दम तोड़ेगी। कोई सी बाइक भी परमानेंट बंद हो सकती है कभी भी किसी भी सिचुएशन पर। छोड़ गई क्या दम? छोड़ गई कर, ट्राई कर, हो जाए तो अभी स्टार्ट। ट्राई कर एक बार, एक दो बार और ट्राई कर, अब नहीं होगी बस। ठीक है बस ज़्यादा ना कर। तो इसने क्या माइलेज दिया, 16.8 इंटू में 4 करते हैं इसको, 67.2 की माइलेज दिया भाई रेडर ने, 67.2 किलोमीटर प्रति लीटर। अभी तेरे को साथ साथ ही चलना है इसके, ठीक है पेट्रोल तो मैं तेरी बाइक में डाल देता हूँ, अब तेरी बाइक को पेट्रोल मिल जाएगा। क्या बात है ना, कैसे पेट्रोल मिल रहा है बाइकों को। हाँ अभी उसको मैं और डालना है ना, मतलब मिसिंग तो कर रही है अभी वो, मेरे हिसाब से 500 मीटर चलेगी, हो सकता है 100 मीटर बाद ही बंद हो जाए वो भी, क्या पता स्टार्ट ही ना हो अभी भी। और रुके चल, अभी बराबर में चल रहे हैं क्योंकि उसकी ट्रिप के हिसाब से माइलेज चेक करेंगे ना इसकी भी, क्योंकि वरना अलग अलग से करेंगे तो भेदभाव हो जाएगा यार। अगर फिर बंद हो गई इस बार, हो गई बंद शायद, अब नहीं होगी स्टार्ट, अब नहीं हो रही, अब नहीं चलेगी। फिक्स 18 ये देख रहे हो भाई, फिक्स 18 ना दिख रहा है ना मीटर में, यार ये मीटर में दिखता ही तो ना इसमें गोप्रो में। रात को मैं इसका फोटो ले देता हूँ, फोटो डाल दूँगा। टाइम 6:15 और 18 किलोमीटर चली है बाइक, देख रहे हो आप, तो 18 को 4 से गुणा करें तो भाई इसने माइलेज दिया 72 की, मतलब इसने उसने दी थी 67.2 है ना,
तो यार ये थी होंडा की SP125 और TVS की रेडर 125। इन दोनों बाइकों की माइलेज सर, अगर आप चाहते हो कि इन दोनों बाइकों का एक डिटेल कंपैरिजन बनाऊं जिसमें कि मैं मेरा जो पिछले एक डेढ़ साल से चला रहा हूं, इधर तो दोस्तों की दोनों बाइकें मैंने काफी चलाई है, रेडर तो मेरे पास है खुद के पास और SP मैंने खूब चलाई है। अगर आप चाहते हो कि दोनों बाइकों के ऊपर एक डिटेल कंपैरिजन बनाया जाए कि किस बाइक को परचेज करना चाहिए, किस बाइक में आपको क्या अच्छा देखने को मिलेगा, किस बाइक में आपको क्या अच्छा नहीं देखने को मिलेगा, तो कमेंट कर देना। उस वीडियो के लिए भी जरूर मेहनत करेंगे और बनाएंगे आपके लिए कि कौन सी बाइक आपके लिए बेस्ट है 2023 या फिर 2024 के अंदर, वो मैं आपको उस वीडियो के अंदर बताऊंगा। और आज वीडियो में जो कहा था उसको यार एक बार याद कर लो, मैंने बोला था कि अगर वीडियो अच्छी लगेगी तो भाई सब्सक्राइब कर लेना, ना लगे तो मत करना, लेकिन अगर करोगे सब्सक्राइब तो भाई बहुत खुशी होगी यार, वो 6% का रेशियो बढ़ाना है, बस इतनी सी रिक्वेस्ट आपसे, विनती है आपसे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा टेक केयर, ध्यान रखो अपना, मस्त और खुश रहो यार।